Welcome to C4 chemistry class. My name is Pankaj Singh and today's lecture is on preparation of haloalkane by alcohol. In the last video we have studied how to prepare the haloalkane with the help of the alkane and the alkene. Jahan par alkane mein humne substitution reaction se halogenation ke help se humne dekha tha haloalkane kaise banate hain. And we have seen the mechanism also ki mechanism usme free radical mechanism hoti hai. और सिमिलरली हमने अल्कीन की रिएक्शंस भी देखी थी कि अल्कीन की हेल्प से कैसे हम हेलोअल्केन्स को बनाते हैं. एंड नाउ टुडे वी विल स्टडी हाउ टू प्रिपेयर द हेलोअल्केन बाय अल्कोहल. थ्री रिएक्शंस वी विल मोस्टली सी विद द ल्यूकस रिएजेंट, इसको हम एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl का मिक्सचर भी बोलते हैं. देन वी विल सी विद द हेल्प ऑफ PCl5 एंड PCl3 एंड देन वी विल विद द हेल्प ऑफ SOCl2. लेट्स स्टार्ट देन. So let's start with the preparation of haloalkane using the alcohol. See, first the basic reaction is clear. Like the alcohol we are taking alkyl halide R and OH. Anything alkyl halide R jo hai aapka CH3OH kuch bhi hoga, ya C2H5OH. So when CH3OH or ROH in the presence of Lucas reagent, ye jo sum of anhydrous ZnCl2 or HCl, concentrated HCl ka jo combination hai, इसको हम ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं. और जो प्रोडक्ट मिलता है वो अल्काइल हैलाइड और H2O. इस प्रोसेस को ग्रूव्स प्रोसेस भी कहा जाता है. द नेम ऑफ द रिएक्शन इज ग्रूव्स प्रोसेस. ल्यूकस रिएजेंट कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2. अब इसका काम क्या है? सो मेन बैकबोन जो इस पूरे रिएक्शन की वो यही है. विद द हेल्प ऑफ दिस रिएजेंट ये रिएक्शन पॉसिबल होती है. सी लेटर जस्ट आफ्टर दिस मैकेनिज्म वी विल सी कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है. वैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी अल्कोहल में टर्शरी की होती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी. इवन इन द रिएक्शन विद द टर्शरी हमें इस ल्यूकस रिएजेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है. टर्शरी अल्कोहल आई एम टॉकिंग, मैं टर्शरी अल्कोहल की बात कर रहा हूँ. अब इसमें रीज़न ये है कि लाइक इफ़ यू आर टेकिंग द CH3C, लेट मी मेक द टर्शरी अल्कोहल. और अब इसमें सबसे मेन बेसिक जो है कि रिएक्शन तभी प्रोसेस होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, पुरानी रिएक्शन बॉन्ड का ब्रेक होना और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना. अब पुराने बॉन्ड जो है जिसमें जो मोस्टली ब्रेक होना है वो कुछ इस तरीके से होना है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड हमें ब्रेक करना है और इस बॉन्ड के ब्रेक के बाद ही नया बॉन्ड इंट्रोड्यूस कराना है. अब जैसे कि हम जानते हैं यहाँ से क्लोराइड हमें चाहिए तो CL आ जाएगा OH की जगह. तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना सबसे ईजिएस्ट जो होता है वो टर्शरी में होता है, टर्शरी अल्कोहल में. इसका रीज़न ये भी कह सकते हैं कि अल्काइल ग्रुप जो है यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट करता है. अब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है बच्चों? प्लस आई इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप का एक इफेक्ट होता है जिसमें से अल्काइल ग्रुप वही काम करते हैं. अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग नेचर के होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं सामने की तरफ. जैसे कि ये तीनों अल्काइल ग्रुप करेंगे, टर्शरी में तीनों डायरेक्शन से अल्काइल ग्रुप हैं और इस वजह से कार्बन के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है. और जब ये डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये इस बॉन्ड में स्ट्रेन डालती है. एक ऐसा स्ट्रेन, एक ऐसा तनाव हो जाता है कि यहाँ पर एक रिपेलिंग फैक्टर आने लग जाता है जिससे ये बॉन्ड एक टूटने की स्टेट में आ जाता है. टूटता नहीं है, टूटने की स्टेट में आ जाता है. तो जैसे ही रिएक्शन के लिए कोई नया एलिमेंट लाइक क्लोरीन जो कि इस रिएक्शन में आता है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. तो टर्शरी में इसीलिए सबसे ईजिली हल्का सा इसमें वॉर्म करें, यानी अगर हमें डायरेक्टली ZnCl2 की ज़रूरत भी नहीं पड़े और तो भी ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है इन द टर्शरी अल्कोहल. सेकेंडरी एंड प्राइमरी के लिए हमें एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत पड़ती है. लेट्स सी द मैकेनिज्म कैसे काम करता है. सो सबसे पहले हम ZnCl2 का बिहेवियर जानते हैं. ZnCl2 यहाँ पर एक लुइस एसिड का काम करता है. लुइस एसिड का प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी. दैट मीन्स इसके पास ZnCl2 में जो जिंक है, जिंक जो है एक इसके पास एम्प्टी हायर ऑर्बिटल्स होते हैं. ये एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो 3d 10 4s 2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. अलॉन्ग विद दिस 4s इसके पास 4p और 4d भी है, यानी ये अपने ऑर्बिटल को इतना बड़ा ऑर्बिटल है इसके पास, वैकेंट ऑर्बिटल, कि एक्सटेंड कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना सकता है. यानी कोई अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे तो ईजिली उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी अगर कोई डोनेट करने आए तो. सबसे पहले यहाँ पर यही होता है कि जब अल्कोहल के अप्रोच करता है, नज़दीक जाता है, तो अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर्स हैं. एक उप, दो ऊपर हैं, दो और होते हैं. तो ये लोन पेयर जो है ZnCl2 को कोऑर्डिनेट कर दिया जाता है.
जैसे ही कोऑर्डिनेट कर देते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है अब एक पॉजिटिव चार्ज, और ये रिएक्शन की पूरी थीम जो है वो SN1 है। स्टूडेंट, SN1 रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में आगे भी स्टडी करेंगे। यहाँ पर SN1 का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो सब्स्टिट्यूट करता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल मतलब वो जिसका न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन है। लेकिन अब SN1 के बारे में फिर डिटेल में बात करेंगे। अभी यहाँ पर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये एक SN1 प्रोसेस होती है, वो कैसे हो रही है मैं बता रहा हूँ। तो जब इलेक्ट्रॉन का पेयर जिंक के पास जाएगा तो जिंक ने तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज, और ठीक उसी टाइम में ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ऑक्सीजन एक अनस्टेबल स्टेट में आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन एक हाईली ऑक्सीजन ओ और ओ के कंपैरिजन में ओ पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है दोनों में से ये वाला ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रो, वैसे तो ऑक्सीजन ऑलरेडी एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेगेटिव करेक्टर का होता है, लेकिन ओ पॉजिटिव और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन था अनस्टेबल और हो गया। अब ये अपने आप को पूरा करने के लिए, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ढूंढता है, और इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्ड पेयर कार्बन, हेयर आर इज CH3, मैं रिमाइंड करा दूं यहाँ पर आर जो है वो एक CH3 है। तो अल्काइल ग्रुप से जो कार्बन है उसके बीच में जो बॉन्ड पेयर है इसको धीरे धीरे अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि ये एक स्टेबल हो जाए, और होता यही है। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, क्योंकि चार्ज आ गया है अनस्टेबल स्टेट है, न्यूट्रलाइज करेगा तो ये बना देता है एक बाय प्रोडक्ट Zn-Cl2OH और रिलीज करता है कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन रिलीज करने में बहुत स्लोली प्रोसेस होती है। अब इसमें SN1 मैकेनिज्म यहीं पर ही है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस कहाँ पर है, यहाँ पर न्यूक्लियस ये रहा। न्यूक्लियस का मतलब है कि किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होना, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन रखेगा। अब न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन वही रखेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, और वो है हमारा Cl- जो कि HCl से आया है। हमने कंसंट्रेटेड HCl लिया ना, तो अब HCl डेफिनेटली जो है H पॉजिटिव और Cl- के फॉर्म में ब्रेक होगा। तो ये Cl- जो है अप्रोच करता है, और Cl- अप्रोच करते ही वेरी फास्ट जैसे ही न्यूक्लियोफाइल देखता है, यानी कोई न्यूक्लियस यानी कोई पॉजिटिव चार्ज जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, जो कि हमारा यहाँ पर कार्बोकैटायन है। तो इस तरीके से इसको हम बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म, और ये तुरंत जो है जुड़ करके Cl- चार्ज R पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, न्यूट्रलाइज होता है, और अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैकेनिज्म काम करती है विद द हेल्प ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अब हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री भी देखेंगे। लेटर ऑन क्या होता है कि वो जो Zn-Cl2OH है ये फिर से रिगेन हो जाता है। ये यहाँ से अपना ऑक्सीजन, क्योंकि OH है और H पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज OH के साथ आके H पॉजिटिव के साथ मिलके H2O बनाएगा और Zn-Cl2 आपका रिगेन हो जाता है, जो कि फर्दर यूज़ के लिए रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, ये तो हमारा रिटेन हो गया। अब हमने यहाँ एक चीज़ देखनी कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब स्पेस में ये बनेगा कैसे। स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब यही होता है बच्चों कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो स्पेस में कैसे लाया करता है। स्पेस में इसका 3D फॉर्म में हर मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंसी होती है, 3D लाइफ जीते हैं सभी। तो 3D इसका अपीयरेंस कैसा होता है, तो सबसे पहले समझना है कि इन स्पेस अप्रोचिंग टेंडेंसी Cl- इन कार्बन, यानी अब Cl- उस कार्बोकैटायन या जो R पॉजिटिव था उसके पास अप्रोच कैसे करेगा। तो पहले ये देखते हैं कि वो कार्बोकैटायन है कैसी स्टेट में। R पॉजिटिव है तो सब हमने मान लिया यहाँ पर CH3 पॉजिटिव, R कैन बी एनीथिंग, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, तो मैंने CH3 पॉजिटिव ले लिया। अगर मैं CH3 पॉजिटिव की हाइब्रिडाइजेशन देखूँ तो एक इलेक्ट्रॉन तो उसके पास नहीं है, वो जा चुका है, तो इसका मतलब इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल है और रिमेनिंग 3 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्डिंग बना चुका है। तो यहाँ पर जो ये स्टेट है ये वैकेंट है, और इस वजह से इसकी जो हाइब्रिडाइज स्टेट आती है वो sp2, और sp2 होने के कारण इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ट्रायगोनल प्लैनर। प्लेनर शब्द का मतलब है कि एक प्लेन में लाया करेगा, जैसे कि x और y या y और z, मतलब 3D नहीं आएगा, 2D में होगा। मान लीजिए एक टेबल है, टेबल भी जो होती है प्लेनर फॉर्म में है। ये मैंने यहाँ पर इसका एक डायग्राम बना हुआ है। कार्बन 3 हाइड्रोजन है, ये एक प्लेन में लाया कर रहे हैं, और जो ये वैकेंट p ऑर्बिटल है ये वाला यहाँ पर, इसको मैंने क्लाउड फॉर्म में दिखा रखा है, जो कि परपेंडिकुलर है। यानी ये समझ लीजिए मोबाइल की स्क्रीन है, और इसमें मोबाइल से ऊपर को जो है और ये नीचे को जा रहा है,
परपेंडिकुलरली। अब यहाँ पर सी एल नेगेटिव के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये ऊपर से आके यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना इस पॉजिटिव चार्ज वाले को दे, क्योंकि सी एल नेगेटिव है, ये खाली वैकेंट है, इसको ज़रूरत है। आप देख सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कार्बन आर 6, इसको दो और चाहिए, तो सी एल नेगेटिव पहले अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, फिर अपने ही इलेक्ट्रॉन से उसके साथ क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा और इससे न्यूट्रल हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज है ही। तो सी एल नेगेटिव के पास दो डायरेक्शन, या तो ऊपर से आ जाए, आप समझ गए होंगे प्लेन ये है, तो क्लाउड्स आर इन द परपेंडिकुलर, ये जो क्लाउड बनाया है ये वाला, ये परपेंडिकुलर फॉर्म में, तो सी एल नेगेटिव दो ऑप्शन है। अगर सी एल नेगेटिव सेम पोजिशन से आता, सेम पोजिशन मतलब जैसे कि आर ओ एच जुड़ा था, तो ओ एच जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन से अगर सी एल आ जाता है, तो इसका मतलब इसने अपनी पोजिशन जो मॉलिक्यूल की थी वो सेम थी, ओ एच की जगह सी एल आ गया और उसी डायरेक्शन से आया और वहीं आया, तो ऐसे में कंडीशन हम बोलते हैं कि रिटेंशन हुआ। लेकिन अगर अपोजिट से आ जाए तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। ये ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल की थ्री डायमेंशन स्टेट में अगर सेम रहती है, यानी जहाँ पर अल्कोहल, मान लीजिए अब ये टेट्राहेड्रल शेप में होता है, ये इस तरीके से बना लेते थ्री डी, ये थ्री डी है, लाइक अ पिरामिड समझ लीजिए, पिरामिड के बीच में जो है कार्बन है और इसके फोर वर्टिसेस मान लो पिरामिड के, एक टॉप में और एक नीचे थ्री हो गए, तो इस तरीके से हवा में या स्पेस में है। तो अगर ओ एच की इस डायरेक्शन से ही इसको हटा करके सी एल नेगेटिव आ जाता है, तो यानी सेम डायरेक्शन में आया ना जहाँ पर था ओ एच, तो ये रिटेंशन कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ओ एच ना आ करके यहाँ, सॉरी सी एल जो है उस डायरेक्शन से ना आए जहाँ पर ओ एच ऑलरेडी था, ओ एच को हटा दिया जाए, ओ एच तो हटेगा और ओ एच की जगह यहाँ पर एच होगा, और दूसरी डायरेक्शन से अगर सी एल अप्रोच करे, तो इस तरीके से जो ये जो अप्रोच होती है इसकी इन्वर्जन हो गई, यानी अपोजिट हो गई, तो ये इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है। तो देख सकते हैं, अगर आप कोई कायरल कार्बन लें, कायरल कार्बन का मतलब होता है एक ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ ग्रुप जो है डिफरेंट होने चाहिए। देखिए, स्टीरियो केमिस्ट्री समझ में ही तभी आती है जब जो सेंटर कार्बन होता है जिसके पास कायरल कार्बन हो, तो वो उसके चारों तरफ जो बॉन्ड होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिफरेंट हो, अगर डिफरेंट है तो ही हमें स्टीरियो केमिस्ट्री की स्पेस डायमेंशन समझ में आएगी, वरना चारों तरफ से वो एक जैसा ही लगेगा। मान लीजिए यहाँ भी सी एस थी, यहाँ भी सी एस थी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये सी एल किस तरीके से, या चारों तीनों तरफ एच आ जाए, तो ये कार्बन जो है सेंटर कार्बन जो है इसको कायरल कार्बन होना पड़ेगा, यानी वो कार्बन जिसके चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी हम स्टीरियो केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि अगर रिटेंशन, देखिए ओ एच यहाँ है तो लेफ्ट में ही ओ एच आ गया तो रिटेंशन, लेकिन ओ एच यहाँ है और यहाँ से सी एल लेफ्ट में आ गया, सॉरी यहाँ राइट में आया तो रिटेंशन, लेफ्ट में आया तो इन्वर्जन, ये इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है। अब स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया देखिए, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आपका थर्ड डिग्री यानी टर्शरी कार्बोकैटायन, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है प्राइमरी। तो मैंने तो एक रीज़न अभी बताया और वो रीज़न यही था कि इसमें प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। देखिए इसको आप ऐसे समझिए, किसी की भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज जो है वो उसके लिए एक अनस्टेबिलिटी का क्राइटेरिया होता है, तो वो चार्ज को रिमूव करना चाहता है, उसके लिए वो रीज़न देखेगा कि कैसे वो कोई ऐसा कुछ हो जाए, ऑप्शन मिल जाए जिससे वो चार्ज कम हो। अब देखिए यहाँ पर थ्री डिग्री में यानी टर्शरी में क्या है, अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट भी कर रहे हैं, यानी अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे सेंटर कार्बन की तरफ, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज जो इसके ऊपर है ना ये रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो कार्बोकैटायन यहाँ स्टेबल है, तो इसीलिए यहाँ मोस्ट इफेक्टिवली ये, यानी अगर ये ओ एच नेगेटिव मान लीजिए ब्रेक हो गया, चले गया, तो ये कार्बोकैटायन ही तो बनेगा, ठीक है ना, ये रिलीज होने के बाद है, ये ओ एच चले गया तो कार्बोकैटायन, ओ एच जो है क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके चले गया, तो कार्बन को बना दिया उसने पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन हो पाएगा, थर्ड डिग्री, क्योंकि मोस्टली प्लस आई इफेक्ट, लेकिन प्लस आई इफेक्ट से भी ज़्यादा इफेक्टिव जो होता है हाइपर कंजुगेशन होता है। हाइपर कंजुगेशन में ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ डोनेट करके डबल बॉन्ड बनाता है, जिससे ये स्टेबिलिटी, ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि यहाँ पर क्या करेंगे, हाइपर कंजुगेशन करेंगे। अब हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इसकी एक डिटेल सीरीज हम देखेंगे अनदर वीडियो में। तो इस तरीके से जो है आपका सबसे इफेक्टिवली काम करता है, जिसको ल्यूकस रिएजेंट की जरूरत भी नहीं होती है, वो है टर्शरी, फिफ्थ, सेकेंडरी और प्राइमरी काम करते हैं, क्योंकि ये इतनी अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते, तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है ल्यूकस रिएजेंट की, जो अभी तक हमने अभी तक की मैकेनिज्म देखी। आई होप दिस इज क्लियर। इसमें ल्यूकस रिएजेंट की हेल्प से हम इसका एक ल्यूकस टेस्ट भी देखते हैं, जो कि बहुत इफेक्टिव होता है थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री और प्राइमरी अल्कोहल के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में, तो ये सबसे अच्छा टेस्ट है। इस टेस्ट में अल्कोहल बहुत अच्छा रिएक्टिव होता है, जैसे कि अभी हमने देखा थर्ड डिग्री अल्कोहल, क्योंकि स्टेबल होता है, तो ये जो पीपीटी बनाता है ना, वाइट कलर की पीपीटी आरसीएल की, ये बहुत जल्दी बना देगा, तुरंत बना देगा।
लेकिन वहीं पर ही जो सेकेंड डिग्री अल्कोहल होगा इट विल टेक टाइम, इट विल रिएक्ट आफ्टर 5 to 10 minutes. एंड जो प्राइमरी अल्कोहल है इट विल नॉट रिएक्ट इन द रूम टेम्परेचर बट विद द प्रोलॉन्ग हीटिंग. वो वाइट पीपीटी देगा लेकिन बहुत देर में देगा. तो बहुत जल्दी अगर दे दे रहा है वाइट पीपीटी आरसीएल की यानी अल्काइल हैलाइड की, तो आप समझ जाइए टर्शियरी अल्कोहल है. 5 to 10 minutes लेटर दे रहा है तो समझ जाइए सेकेंडरी अल्कोहल है. और अगर बहुत देर बाद दे रहा है तो समझ जाइए वो प्राइमरी अल्कोहल है, जहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी दिया. लाइक आई सेड 2-methyl propane 2-ol एंड प्रोपेनॉल में डिफ्रेंशिएट करिए कि कौन जो है आपका कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो ल्यूकस टेस्ट इज द बेस्ट. दिस इज द टर्शरी अल्काइल टर्शरी अल्कोहल एंड दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल. नाउ व्हाट हैपन व्हेन द अल्कोहल इज रिएक्टेड. अभी तक तो अल्कोहल को ZnCl2 से रिएक्ट करवाया था एनहाइड्रस. अब अगर अल्कोहल को हम PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या अल्काइल हैलाइड बनेगा? बिल्कुल बनेगा. अब यहाँ पर एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि PCl5 की दो स्टेट होती है जिसमें वो एग्जिस्ट करता है. एक तो एग्जिस्ट करता है वो गैसियस फॉर्म में, दूसरा एग्जिस्ट करता है वो सॉलिड फॉर्म में. सो लेट्स सी अगर वो गैसियस स्टेट में होता है तो कैसे काम करेगा. तो फिलहाल यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखी है ROH प्लस PCl5. रिएक्शन में हमें अल्काइल हैलाइड मिला जो कि हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड विद HCl. ये एलिमिनेट, ये हमारे बाय प्रोडक्ट हो गए. अब हमें इसकी मैकेनिज्म देखनी है. तो मैकेनिज्म में क्या है, तो यहाँ पर मैकेनिज्म जो हुआ SN1 रिएक्शन नहीं है. अच्छा, SN1 में 1 का क्या मतलब होता है? यूनिमोलिकुलर होता है. इस समय जो रिएक्शन का पैटर्न फॉलो होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामोलिकुलर होगा. अब देखिए कैसे, यहाँ पर ROH और ये PCl5 में जब अल्कोहल का इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर है लोन पेयर, ये लोन पेयर जो है फॉस्फोरस को दिए जाएंगे. जब ये लोन पेयर इसको दे, ये इसलिए दिया जाएगा क्योंकि फॉस्फोरस और क्लोरीन जो है जुड़ा हुआ है. तो क्लोरीन यहाँ से कंटिन्यूसली एक स्ट्रेन कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर के. अब यहाँ देखा गया कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो उसने जब मदद करी, उसने हेल्प करी और फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन दिया, तो वो ठीक उसी टाइम में Cl इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाह रहा था. तो फॉस्फोरस के ऊपर अगर जैसे ही Cl इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा तो Cl यहाँ पर अपना ही नहीं फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा. हम इस पेयर को एक मिनट के लिए कंसिडर कर लेते हैं. तो फॉस्फोरस के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है ये ऑक्सीजन. और जब ये ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज करता है Cl नेगेटिव बाहर, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर आ गया है O पॉजिटिव. अब ये ऑक्सीजन हमारा बन गया है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और जो कि बहुत अनस्टेबल है, जिसको इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, रिक्वायर्ड है, वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन चाहता है. तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो HCl बना है. तो डेफिनेटली इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में यही हुआ है कि इस ऑक्सीजन ने H से इलेक्ट्रॉन को छीन लिया और H पॉजिटिव बना करके उसको फ्री कर दिया. जैसे ही इसने H पॉजिटिव को से इलेक्ट्रॉन लिया, अपने को तो न्यूट्रल कर दिया, अपना उसने न्यूट्रल कर दिया. यहाँ पर देख लीजिए आप, पॉजिटिव चार्ज नहीं है. और जब न्यूट्रल कर दिया तो वो H पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव के साथ जो यहाँ से निकला था निकल के ऐड होके बना देता है HCl. नाउ फर्दर क्या होता है कि ये ऑक्सीजन जिसके पास अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, अब ये वापस जो है इस फॉस्फोरस को इलेक्ट्रॉन वापस देता है. जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा तो डेफिनेटली यहाँ पर डबल बॉन्ड की एक स्टेट आएगी, यानी डबल बॉन्ड बनने जाएगा. लेकिन ठीक उसी समय में फॉस्फोरस का ये पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन का, ये निकलना स्टार्ट हो जाता है. ये क्योंकि वही स्टेट है, क्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये लेके जाने लग जाए, तो वहीं से ऑक्सीजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर दान कर देता है, डोनेट कर देता है, जिससे फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड एग्जिस्ट हो जाता है और ये Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके चले जाता है या वहीं पर ही रहता है. अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं. यहाँ पर Cl इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर दे भी रहा है, तो डबल बॉन्ड बन भी रहा है और Cl नेगेटिव हट भी रहा है. अच्छा, जब डबल बॉन्ड बनेगा तो देखिए जरा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पार्ट को पूरा ध्यान से समझिएगा. यहाँ पर तीन काम एक साथ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली. फिर से, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है और नेगेटिव चार्ज बनने जा रहा है, इस फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ऑक्सीजन ने उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके पॉजिटिव चार्ज को बंद करने की सोची, रिड्यूस करने की सोची, जिससे उसके ऊपर आ गया डबल बॉन्ड और धीरे धीरे Cl नेगेटिव निकलने लग गया. जब Cl नेगेटिव निकल रहा है, ठीक उसी टाइम में हमने देखा यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आया, तो अब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कैसे करेगा, न्यूट्रलाइज कैसे करेगा कहीं से इलेक्ट्रॉन लेकर के? तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए एक ही ऑप्शन लगता है कि वो कार्बन और अपने बीच में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसको खींच ले और खुद को न्यूट्रलाइज कर दे. जब ऐसा हो रहा होता है तो वो जो Cl नेगेटिव निकल रहा है और यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज छीन रहा है, देखिए दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं.
हमने स्टेप बाय स्टेप कराया, लेकिन ये प्रोसेस एक साथ हो रही है. तो वो सीएल नेगेटिव विद इन अ मॉलिक्यूल, इसीलिए इसका नाम इंट्रा मॉलिक्यूलर पड़ा है. विद इन अ मॉलिक्यूल वहीं से निकला ही है, और यहाँ से उसने देखा कि कार्बन यानी जो आर है ये कार्बोकेटाइन बनने ही जाएगा, बना नहीं है लेकिन बनने वाला. तो इसने तुरंत यहाँ से अटैक करके सीएल नेगेटिव के साथ, सीएल नेगेटिव आर पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, जो कि फाइनली रिजल्ट देगा आर सी एल. अब ये बन जाएगा आपका पी ओ सी एल थ्री. तो पी ओ सी एल थ्री ये आपका क्या है, फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड प्लस एस सी एल पहले ही निकल गया. अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो रिटेंशन ही बनेगा, या इन्वर्जन का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सी एल नेगेटिव दूसरी साइड से नहीं आ रहा है, कोई फ्री सी एल नेगेटिव नहीं है. फ्री सी एल नेगेटिव मतलब बाहर से कोई सी एल नेगेटिव अवेलेबल नहीं कराया, विद इन अ मॉलिक्यूल ही सी एल नेगेटिव निकल के आया, यहीं से निकल के आया ना. और यहाँ से इसने देखा कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, खुद बन गया पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज बनते ही वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, तो निकला हुआ सी एल नेगेटिव वापस इसी डायरेक्शन से यहीं से तुरंत अप्रोच करके बहुत जल्दी रिटेंशन मतलब उसी पोजीशन में जुड़ जाता है. देख सकते हो OH और यहीं पर सी एल आ गया. तो इसलिए इसकी जो स्टीरियस केमिस्ट्री है वो ये है कि रिटेंशन की स्टेट रहती है, यानी जहाँ से OH ने निकला था वहीं सी एल चले गया अटैक करके. सो आई होप दिस इज क्लियर हाउ द पी सी एल फाइव इन द गैसेस स्टेट इज रिएक्टिंग. लेट सी व्हाट हैपन इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में कैसे काम करता है. तो देखिए सॉलिड स्टेट में पी सी एल फाइव, असल में पी सी एल फाइव एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ पी सी एल फोर और पी सी एल सिक्स. इसमें से होता क्या है कि दो पी सी एल फाइव मिल करके एक पी सी एल फाइव क्या करता है कि अपना सी एल नेगेटिव दे देता है. दो पी सी एल फाइव मिलते हैं आपस में, ये डिसाइड करते हैं सॉलिड स्टेट में कि यार अपनी स्टेबिलिटी बनाएं, तो ये एक सी एल नेगेटिव दे देंगे, तो ये गेन कर लेता है तो बन गया पी सी एल सिक्स, क्योंकि फॉस्फोरस ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिव. ये मैंने बाहर से नेगेटिव चार्ज लगा रखा है लेकिन ये फॉस्फोरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और वहीं जो पी सी एल फाइव ने लॉस किया उसके ऊपर बन गया पी सी एल फोर पॉजिटिव. तो यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट होती है इसकी, पी सी एल फोर पॉजिटिव और पी सी एल सिक्स. अब स्टेट ये है कि जैसे ही आर ओ एच यहाँ पर अप्रोच करते, क्योंकि यहाँ पर पी सी एल फोर में फॉस्फोरस है पॉजिटिव चार्ज, उसका सी एल नेगेटिव गया है, सी एल नेगेटिव गया है, प्लीज़ रिमेंबर पी सी एल फाइव में से एक सी एल नेगेटिव चले गया, यानी सी एल अपना इलेक्ट्रॉन के साथ फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन भी लेके जा चुका है पी सी एल फाइव दूसरे वाले के पास, तभी बनाया हो पी सी एल सिक्स नेगेटिव. तो यहाँ पर फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये लोन पेयर, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, ये तुरंत फॉस्फोरस को डोनेट किया जाता है. चलिए ठीक, डोनेट करते ही ये रियलाइज होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर खुद भी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, वो भी अब अनस्टेबिलिटी स्टेट में आ गया. तो यहाँ पर पी सी एल फाइव फिर से जो है पी सी एल फोर पॉजिटिव जैसे ही बॉन्ड बनाया, उधर उसने देखा कि यार पी सी एल जो पी फॉस्फोरस है वो पॉजिटिव था, वो न्यूट्रल हो गया लेकिन खुद बन गया पॉजिटिव चार्ज, तो अपने को न्यूट्रल करने के लिए उसने एच से इलेक्ट्रॉन को खींचा और एच पॉजिटिव को रिलीज कर दिया, जिससे ओ जो है ऑक्सीजन वो हो गया न्यूट्रलाइज. अब ये स्टेट को दोबारा देख लीजिए. अब दोबारा इसमें होता क्या है कि ये जो सी एल है, ये फोर सी एल है ना, इनमें से एक सी एल कोई भी एक ले लेते हैं, सपोज ये लिया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की स्टेट में है, जैसे ही खींच रहा है तो उसी टाइम ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, और डोनेट करते ही यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, और फिर से दोबारा से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. एक तो यहाँ पर आया था तो उसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, न्यूट्रल हो गया था, लेकिन देखा कि सी एल नेगेटिव उसका इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा था, ऑक्सीजन ने वहाँ डबल बॉन्ड बना दिया और अपने को खुद को पॉजिटिव चार्ज बना दिया. जैसे ही ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बनता है तो वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचने लग जाता है और कार्बन को बना देता है कार्बोकैटायन. तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओ पॉजिटिव ने अपने को न्यूट्रल करने के लिए बॉन्ड पेयर को खींच लिया और आर पॉजिटिव करके रिलीज कर दिया, पी ओ सी एल थ्री किनारे हो गया. यहाँ से जो सी एल नेगेटिव निकला और ये जो एच पॉजिटिव निकला था, दोनों ने कंबाइन होकर के क्या बना दिया, एच सी एल. अब आते हैं दूसरी स्टेट में. जब ये आर पॉजिटिव रिलीज हुआ तो इस पी सी एल सिक्स ने, ध्यान से सुनिएगा, ये आर पॉजिटिव तो रिलीज हो गया, ये अभी वेट कर रहा है. वेट कैसे कर रहा है, खुद को कैसे न्यूट्रलाइज करूं, क्योंकि इसको तो निकाल दिया गया है ना ग्रुप से. तो यहाँ पर क्या हुआ, पी सी एल सिक्स ने क्या किया कि अपने से पी सी एल फाइव और सी एल नेगेटिव को रिलीज कर दिया. ये सी एल नेगेटिव अब इस आर पॉजिटिव के साथ अप्रोच करेगा और इसकी अप्रोच करने की डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी, इसलिए इसी का नाम क्या है कि जो अल्काइल हैलाइड अब बनेगा आर पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव के बीच में, वो एक इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनेगा. आई होप नाउ इन्वर्जन इज क्लियर टू एवरीवन. आर सी एल बनेगा. सी यहां पर से फिर से देख सकते हैं, ये पी सी एल सिक्स ने पी सी एल फाइव और सी एल नेगेटिव रिलीज किया, वो सी एल नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच करेगा तो इन्वर्जन बन गया. जैसे कि इसको हम दोबारा देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बट ये सी एल नेगेटिव बाहर से आया है, ये विदना मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल का नहीं, वरना वो ऐसा न्यूक्लियोफिलिक इंट्रा मॉलिक्यूलर हो जाती. तो ये बाहर से आया हुआ सी एल नेगेटिव है
जिसने दूसरी डायरेक्शन से अप्रोच किया, इस डायरेक्शन से तो आ नहीं सकता, ऑलरेडी यहाँ पर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिपेल करेंगे, तो दूसरी तरह से अप्रोच करता है, तो इसलिए आर सी एल आर ये इन्वर्जन हो गया। यानी जैसे आर ओ एच जिस डायरेक्शन में था ओ एच के अपोजिट में सी एल आ गया। यहाँ पर सी एल सॉलिड के फॉर्म में देख सकती है, फोर डिफरेंट ग्रुप है, कायरल कार्बन हो गया, कायरल कार्बन मतलब वो कार्बन जिसके चारों तरफ फोर डिफरेंट हो, क्योंकि इसी में हम देख सकते हैं रिटेंशन और इन्वर्जन। तो जो सी एल इस पी सी एल फाइव से निकला, ये जनरल रिएक्शन है, वो एक अपोजिट डायरेक्शन से निकली और ये हमारा प्रोडक्ट है। सो आई होप इट इज़ क्लियर हाउ द पी सी एल फाइव रिएक्ट्स इन द गैस स्टेट एज वेल एज इन द सॉलिड स्टेट। देखिए मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कॉम्पिटिशन के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन इज वेरी क्वाइट ईजी एंड द मैकेनिज्म इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें डेप्थ मीनिंग है, डेप्थ रिजल्ट है कि कैसे काम करता है एक्चुअल में। नाउ लेट सी हाउ द पी सी एल थ्री फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड रिएक्ट। सी अगर आप फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड को रिएक्ट कराएंगे आर ओ एच से, तो इसकी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये है कि थ्री टाइम्स, क्योंकि हमें बैलेंस करना है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लेते हैं ना, तो थ्री आर ओ एच पी सी एल थ्री के थ्री आर सी एल प्लस एच थ्री पी पी ओ थ्री फॉस्फोरस एसिड। अब ये रिएक्शन को जरा इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं कि कैसे काम करा। पी सी एल थ्री जब अप्रोच करेगा, सेम थिंग इज हियर, नाउ फर्स्ट स्टेप इज वेरी क्लियर, क्लोरीन इज गोइंग टू टेक द सिग्मा बॉन्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है तो फॉस्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, और जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट होगा, तो ये यहाँ से क्या है डबल सॉरी अपना लोन पेयर दे करके फॉस्फोरस को न्यूट्रलाइज करके उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब क्या यहाँ पर भी सेम SN यानी न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी? जी बिल्कुल नहीं। देखिए फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर हो ही यही रहा है, यहाँ समझना ये है कि आपको पहले तो एक चीज़ ये देखनी है कि इस बार ऑक्सीजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और ऑक्सीजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन के को पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, आपको पता ऑक्सीजन ओ पॉजिटिव इज हाईली अनस्टेबल एंड इट नीड अ इलेक्ट्रॉन, उसकी बहुत ज़रूरत है, वो इलेक्ट्रॉन को कैसे भी ना कैसे कहीं से अरेंज करेगा, तो क्या वो हाइड्रोजन से खींचेगा या कार्बन से खींचेगा? लेकिन दिस टाइम इफ द आंसर इज फ्रॉम द हाइड्रोजन सो यू आर रॉन्ग, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। देखिए यहाँ पर कोई एच पॉजिटिव एच सी एल नहीं है, तो यही रिएक्शन मैकेनिज्म की सबसे बड़ी थीम होती है। प्रोडक्ट बनने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं कि मैकेनिज्म की प्रोसेस क्या होती है। तो इस बार ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन को अपने आप को पॉजिटिव से न्यूट्रल करने के लिए यहाँ आर से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट किया, यानी अल्काइल ग्रुप से, हाइड्रोजन से नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट में एच सी एल कुछ बन ही नहीं रहा है, एच थ्री पी ओ थ्री बन रहा है ना, तो ऑक्सीजन ने अल्काइल ग्रुप आर से इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही खींचना स्टार्ट करा, तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ सी एल नेगेटिव अप्रोच करा। देखिए ये खींचना स्टार्ट कैसे करता है, सी एल नेगेटिव निकला था पी सी एल से और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, ये सी एल नेगेटिव अप्रोच करता है पहले इस सी आर के पास, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, देखिए तभी पॉसिबल होता है, सी एल नेगेटिव अप्रोच कर रहा है आर के पास, तो ऑक्सीजन खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी, और वो देखता है कि यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये अपने को तो न्यूट्रल करके बना देता है पी ओ एच सी एल सी एल और आर सी एल बन गया आपका प्रोडक्ट, ये इन्वर्जन बनेगा। तो देख सकते हैं इन्वर्जन क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ओ एच ये है और सी एल ओ एच की डायरेक्शन इस तरफ है, और सी एल नेगेटिव अप्रोच जो है अपोजिट डायरेक्शन से कर रहा है। अब ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होती है, ये जो पी ओ एच सी एल सी एल है ये किसी दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल को अप्रोच करेगा, सेम चीज, सी एल नेगेटिव बन के निकलना चाहेगा, ऑक्सीजन ओ जो है उसको सपोर्ट करके डोनेट करेगा, ये दूसरा मॉलिक्यूल है आर ओ एच का, ये वाला नहीं है, तो यहाँ से अल्कोहल, यहाँ से तो आर सी एल बन गया, ये दूसरा आर ओ एच है, तो जब ये बॉन्ड देगा तो फिर से सी एल नेगेटिव जो है अप्रोच करेगा अपोजिट डायरेक्शन से, तो ऑक्सीजन ओ पॉजिटिव इस आर को खींच लेगा, उसको लगेगा कि यार ठीक है इधर से सी एल नेगेटिव मिल रहा है, ऊपर से ओ पॉजिटिव भी है ऑक्सीजन, और जो कि आर से इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है, तो आर यानी अल्काइल ग्रुप ने समझदारी दिखाते हुए सी एल के साथ बॉन्डिंग बना ली और ये बन गया आर सी एल, अब बन गया पी ओ एच ओ एच सी एल। अगेन फिर से आर ओ एच के पास ये पी सी एल ओ एच ओ एच अप्रोच करेगा, और इसके अप्रोच करने में सी यहाँ पर अप्रोच करेगा किसी दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल से, तो वो दूसरे का अल्कोहल मॉलिक्यूल ओ एच जो लोन पेयर अपना डोनेट करेगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये आर जो है अप्रोच करेगा इस आर के पास, और जैसे ही आर से अप्रोच करेगा तो ओ पॉजिटिव भी उससे इलेक्ट्रॉन खींच के बना देगा पी ओ एच ओ एच थ्री टाइम्स, और यहाँ से आर सी एल आपका किनारे हो गया। तो थ्री टाइम्स द आर सी एल वॉज टेकन आउट, तो तीन बार आर सी एल बना तो थ्री आर सी एल हो गया।
अब क्योंकि पी ओ एच ओ एच ओ एच, अभी ये मैंने रफ डायग्राम बना रखा है, ये जो स्टेट है इसकी अनस्टेबल है, तो रीअरेंजमेंट होता है. रीअरेंजमेंट मतलब मॉलिक्यूल अपनी स्टेट को एक अनस्टेबल स्टेट से इटसेल्फ जो है मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट इधर से उधर शिफ्ट करके अपने आप को स्टेबल स्टेट में ले आता है. और वो स्टेबल स्टेट ये होती है कि पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, इसलिए डायबेसिक भी होता है. डायबेसिक का मतलब दो एच पॉजिटिव प्रोवाइड करा सकता है जो कि ओ एच के साथ जुड़े हुए हैं. तो ये थी अब तक की रिएक्शन. लेकिन इसी रिएक्शन में क्या हम PBr3 और Pi3 को यूज़ कर सकते हैं? सो अगर आप डायरेक्ट Pi3 और Pr3 को लोगे तो ये रिएक्शन, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये इसलिए भी नहीं करते हैं, मॉलिक्यूल का साइज काफ़ी बड़ा होता है Pi में, I का PBr3 में. तो इसको रिएक्शन कराने के लिए हम इनको इन सिटू फॉर्म लेते हैं. सिटू फॉर्म का मतलब उसी टाइम प्रिपेयर किया जाता है. मतलब माना जाता है कि अगर हम फॉस्फोरस और Br2 को एक साथ लेंगे और फॉस्फोरस या I2 को एक साथ ले लें तो PBr3 ही बना रहा होगा, एक साथ उसी समय साइमल्टेनियसली रिएक्ट करके, ठीक है, इन से टू, यानी उस समय फ्रेशली बनाएंगे. फॉस्फोरस और Br2 को सेपरेटली लिया जाएगा और ऐसा अज्यूम करें कि PBr3 बना रहे हो और हमारा प्रोडक्ट थ्री टाइम्स CH3CH2Br और S3PO3 आ गया. नाउ लेट्स सी हाउ द रिएक्शन विद द थायोनिल क्लोराइड टेक प्लेस. सी थायोनिल क्लोराइड जो है रिएक्शन, ये डार्जेंस मेथड है और ये अब तक की बेस्ट मेथड है जिससे अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं. देखिए रीजन देख लीजिए, अगर ROH, अगर हम ROH को SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं तो इसमें RCl तो बनी रहा है, साथ में SO2 गैसियस और HCl भी गैसियस फॉर्म में बनी है. तो गैसियस फॉर्म में जब बन रहा है प्रोडक्ट तो हमारा पीछे जो मेन प्रोडक्ट है RCl उसको तो छोड़ दिया ना, बाकी दोनों एलिमेंट जो बाय प्रोडक्ट थे वो तो रिलीज हो गए. तो इससे इजी हो जाता है RCl को ऑप्टेन करना. तो इसीलिए बेस्ट रिएक्शन है किसी भी अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने की, डार्जन मेथड. इस रिएक्शन में सेम फिर से देखते हैं क्या हुआ. देखिए SOCl2 में जो S और O के बीच में बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से तो पाई बॉन्ड को खींचेगा. ये देखता है कि पाई बॉन्ड, देखिए ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर से अप्रोच कर रहा है ROH, तो पाई बॉन्ड को खींचा तो इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर देना स्टार्ट किया. क्यों देना स्टार्ट किया? क्योंकि जैसे ही पाई बॉन्ड खींचेगा ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ से इस सल्फर के ऊपर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गया. तो इसे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट होता है तो ये O अप्रोच करके अपना लोन पेयर दे देता है, जिससे ये न्यूट्रल हो गया. लेकिन ये ऑक्सीजन जो है खुद अब पॉजिटिव चार्ज बन गया, हेल्प करने तो सल्फर की चला था लेकिन खुद के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, देखिए प्रोडक्ट में HCl बनना तो डेफिनेटली इसने H पॉजिटिव को रिलीज किया, लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं. कि वो क्या, यहाँ पर जब Cl नेगेटिव, जरा ध्यान से सुनिएगा, O ने तो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो तो बन गया O नेगेटिव, और सल्फर बन रहा था पॉजिटिव तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया. अब ये एरो को समझते हैं. ठीक उसी टाइम पे जब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के जा रहा है, ये क्लोरीन क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, अपना इलेक्ट्रॉन और उसका इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो सल्फर के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनिएगा. और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपने को न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन रहा है. फिर से सल्फर और क्लोरीन में क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से Cl नेगेटिव बन के बाहर को निकल रहा है, यानी इसके ऊपर अब धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वहीं ऑक्सीजन अपने को न्यूट्रल करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के O को न्यूट्रल कर रहा है. तो जब यहाँ सल्फर, ठीक ये तो हो गया न्यूट्रल ऑक्सीजन, सल्फर बन रहा था पॉजिटिव चार्ज, तो इस ओ नेगेटिव ने यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वापस देके क्या बना लिया, डबल बॉन्ड, और यहाँ से निकल गया एच पॉजिटिव, यहाँ से निकल गया सीएल, तो HCl बन के बाहर हो गया. ये हमारा पहला बाय प्रोडक्ट. अब हुआ क्या कि आगे फर्दर स्टोरी में ये सी डबल बॉन्ड ओ, इस केस में यहाँ से देखते हैं, फिर से ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये ऑक्सीजन जो कि अब न्यूट्रल हो चुका था पहले, उसने फिर से अपना लोन पेयर यहाँ दिया और यहाँ दे करके डबल बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया. ये डबल बॉन्ड बनाते ही स्टार्ट होने के बाद Cl नेगेटिव, Cl यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है. Cl क्या सोचता है कि यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर हूँ, निकल जाऊँ, तो जैसे ही निकलने लगता है तो फिर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग जाता है इस स्टेट में. देखिए यहाँ से निकलना स्टार्ट हो रहा है ना, फिर से समझते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन ने तो पाई इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, तो इस ऑक्सीजन ने तो डबल बॉन्ड बना दिया तो इसको न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल यहाँ हो गया. अब Cl ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाना, ठीक समझे, यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसने Cl नेगेटिव निकल के बाहर आ गया, Cl नेगेटिव बाहर आ गया. जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो O नेगेटिव ने यहाँ पर अपना डबल बॉन्ड बना लिया. ये देखिए जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाया तो अब ये ऑक्सीजन, इसको भी न्यूट्रल बनना था, ये खुद भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसने अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट किया. तो अल्काइल ग्रुप आपका यानी कार्बोकेटायन बना, इधर से Cl नेगेटिव बना था, वो Cl नेगेटिव इस अल्काइल ग्रुप के पास जाके जुड़ा और बना दिया RCl. डायरेक्शन इसकी यही रहेगी क्योंकि ये काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो ये आपकी रिटेंशन बना रहा है. सो दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर अ अल्काइल हैलाइड विद द हेल्प ऑफ थायोनिल क्लोराइड. सो आई होप टुडेज लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन. सो स्टूडेंट्स,
keep doing the studies. We will go for the further preparation, then we will go for the chemical properties. So till then, keep doing the study, and if you like the videos, please subscribe the channel and also press the like and bell icon for the new notification. Thank you.